तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम चार्जिंग पिन जो है चेंज करके दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है ना। तो पूरा वीडियो में बने रहें, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है साइड में, इसमें पेस्ट डलाइए, साइड में देखिए यहाँ पे है कि पेस्ट डालिए एकदम पूरा अच्छा से, थोड़ा सा है ना, तो पेस्ट डाल दें। अब चलिए इसको रिमूव करके दिखाते हैं, उसके बाद नया चेंज करेंगे है ना। तो चलिए इस वाटर गन के माध्यम से हम इसको कैसे रिमूव करके लगाते हैं ना दोस्तों, तो देख सकते हैं इसको हल्का मीडियम में ही गरम इतना करना है ताकि आराम से पिघल के निकल सके ना दोस्तों, आराम से मारना है इसको हल्का हल्का। तो देख सकते हैं पूरा आराम से पिघल गया, ये रिमूव हो चुका है ना दोस्तों। देखिए आराम से रिमूव हो गया, अब इसको हल्का हल्का साफ कर देंगे है ना दोस्तों, साफ कर दिए। तो चलिए एक पिन ले लिए नया सा, इसको हल्का सा पेस्ट लेके इधर से हल्का सा आयरन से इसको रंगा मार दीजिए, उसके बाद आप इसको सेट कीजिए। चलिए दिखाते हैं आप सबको, देखिए हल्का से इसमें रंगा लेते हैं। इसको हल्का हल्का यहाँ पे इसको हल्का साइड करना है और यहाँ पे छुपा लेना है और ये हल्का सा नीचे से गरम करना है। तो देख सकते हैं पूरा खप गया आराम से, अब इसको चार करके दिखाएंगे आप सबको है ना। अगर ये सोल्डिंग वाटर गन से नहीं हुआ तो हल्का हल्का इसमें आप इसको घुमाइए और यहाँ से हल्का हल्का सोल्डिंग कर रंगा मार दीजिए। ले देखित का नहीं मोबाइल वा चार्ज नहीं उठा होगा। चलिए अब दिखाते हैं आप सबको, यहाँ पे चेक करके बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे इधर देखते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों ये चार्जिंग ले रहा है। तो आप भी इसी तरह से मोबाइल का चार्जिंग पिन चेंज कर सकते हैं दोस्तों, तो 100% सक्सेस हो गया दोस्तों, देख लें। अगर तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। चलिए हमारे अगले वीडियो में बने रहें इसी तरह से, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि और भी इसी तरह से नोटिफिकेशन के माध्यम से नया नया वीडियो आप सबको मिलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद दोस्तों।